नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार, कौन? बहराई से बोल रहे हैं सर, हमारी पत्नी शिक्षा मित्र हैं जी, आपसे जुड़े हैं। आपकी तरफ थोड़ी खड़खड़ाहट हो रही है, जी पंखा वगैरह चल अलग होते हैं। जी 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 हाँ, तो ये सब पहले से ध्यान दिया कीजिए। जी तो सर, एक बीएड वाला क्या फैसला आया है आज कुछ? हाँ, राजस्थान का एक मैटर था, बीएड को बाहर जी जी कराने के जी लिए जी कुछ लोग गए थे, तो जी उसका अभी हार्ड कॉपी जो है अपलोड नहीं हुआ है। जी और आपके जो शिक्षा मित्र संगठन है और BTC बीएड वाले, वो जो है जी जी अफवाह जी फैला रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया है। नहीं, बाहर तो नहीं होना चाहिए। बाहर बाहर का पहले भी था कि जैसे बीएड को लेना है, अगर हमारे बीटीसी वालों को तो बीएड को अगर जरूरत है तो लेना पड़ेगा, उसके लिए 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी कराते थे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति लाया है, उसमें सिर्फ बीएड कोर्स का ही जिक्र है और सारे कोर्स बंद होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है। बिल्कुल और बीएड को प्राइमरी में वैलिड एनसीटी ने किया, एनसीटी के पास पावर है नियम बनाने का। तो बिल्कुल बिल्कुल, नियम तो वही बनाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो जी आज 1501 नंबर पर लगा हुआ था, और 10 बजे कोर्ट बैठी जी और 10 बजे के कुछ देर बाद ही से ये न्यूज़ चलने लगा, जी जी जबकि 1501 नंबर पर लगा था। तो सोचिए कहाँ से वो न्यूज़ सही होगा। खैर, अभी हार्ड कॉपी अपलोड जी नहीं हुआ है। हाँ, शाम तक जी जी जो अन्य लोग अंदर थे, वकील वगैरह, अंदर जी जी मीडिया तो जाती नहीं, कैंडिडेट जाते नहीं, वकील लोग जब बाहर आए जी जी तो जी उनके जानकारी अनुसार कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें ये कहा है कि एनसीटी ही गाइडलाइन बनाती है, जी कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार को परमिशन लेना होगा बीएड वालों को भर्ती में शामिल करने से जी पहले प्राइमरी में। तो एक लेटर जी उनको सर लिखना होगा कि हम ये भर्ती करना चाहते हैं, तो जी 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 वो तो फॉर्मेलिटी हो गई, ये तो होता ही है जी हमेशा। खैर, ये बहुत सारे लोग नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, वो फेक है सब। और बताइए, और सर शिक्षा मित्र वालों का क्या चल रहा है? सब कुछ वैसे ही है जैसा था, कुछ बदला नहीं है। हाँ, ये है कि बीएड वाला जी मैटर अटका पड़ा था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही थी, क्योंकि सब कुछ एक साथ जी होना है। जी अब ये जी जजमेंट आ गया, इसकी हार्ड कॉपी भी आ जाएगी, और हार्ड कॉपी आते ही गवर्नमेंट को अवेलेबल हो जाएगा। तो जो टेट का रिजल्ट रुका है, KVS का रिजल्ट रुका हुआ है, जी वो सब डिक्लेयर होंगे और आगे। हमारे पास दो मैटर हैं सर, एक तो शिक्षा मित्र वाला, दूसरा हमारा बच्चा जो है बीएड किया हुआ है और टेट भी किया हुआ, जूनियर और प्राइमरी दोनों का। तो वही आशा है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कैसा ना हो, जी, जैसे मतलब बीएड मतलब हो, जैसे भर्तियां सरकार के पास, आप तो लिखते रहते कि भर्तियां काफी जो है रिक्तियां पड़ी हैं। देखिए, भावनाएं जो हैं उसको डस्टबिन में डाल करके जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब सब समझेगा। यहाँ भावनाओं से नहीं चलता है, नहीं, भावनाओं से कहाँ और चलता है, आपके भावनाएं तो अपनी चाहने, स्वयं की हमारे होती हैं। चाहने, आपके डर, हमारे डर, इन सब से कुछ नहीं होता है। सिंपल सा है, बस नियम जो है, नियम होगा अनुसार ही सब कुछ होगा। केंद्र सरकार ने सब कुछ प्लानिंग किया है और वो सारा चीज कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने सब कुछ लिखित में दिया है। जिसने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है उसके मन में इफ बट होगा ही नहीं। आज हम जो है व्यस्त थे, मेरे पास कई कॉल आए कि ऐसा ऐसा फेसबुक पर चल रहा है, टीवी पर चल रहा है, जितने भी जी, हम भी कॉल आए। विद्यालय में थे, तो जितने 69,000 के आए हमारे साथ में स्टाफ में, तो कहें सर जी आज तो जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम कहें बाहर क्या किया है, जो फैसला होता होगा, जो होगा सरकार अपना परमिशन लेगी, अगर उसके पास रिक्तियां हैं तो अपना एनसीईआरटी से जो है परमिशन लेगी कि एनसीटी हमें, है। जी एनसीटी से जो है परमिशन कराएगी कि हमको इतनी ज़रूरत है, हमारे पास अब भर्ती है नहीं, तो बीएड वालों को अपना जो है प्राइमरी के लिए जो भी कोर्स होगा करवा के हम इनको भर्ती कर रहे हैं, वो तो परमिशन मिलेगा। सरकारें करती सब कुछ, सरकारें, उसी के तो सारे संस्था हैं, जितनी भी संस्थान हैं सब कुछ सरकारें के बल भी पर तो हैं। इस देश में जो सिस्टम बनाया उसमें जी सब कुछ कार्यपालिका के हाथ में है। अब जी 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 कार्यपालिका जी जो है जी उसको कोई काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बना रखी है और उनको जी पावर जी दे जी जी रखा है। तो जी जी जब मेरे पास सुबह कॉल आने शुरू हुए, हमने तो फेसबुक वगैरह नहीं खोला, उस वक्त हम बिजी भी थे। जिसका भी जी कॉल आया हमने कहा सब फेक न्यूज है, हमने माना ही जी नहीं। लोग कह रहे टीवी पर जी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा। जी हम कहे कि आज जजमेंट आना है, लेकिन अगर इस तरह की बात अभी कोई कर रहा है तो वो सब फेक न्यूज है।
जितने भी कॉल आए सब फेक न्यूज, लगातार बहुत सारे कॉल आए, तो फिर जो है काम से फ्री होकर के हमने देखा तो फेसबुक वगैरह पर सब यही चल रहा था। तो फिर जी उस केस का जाकर के हमने स्टेटस निकाला जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, तो उस पर एक वीडियो बना करके डाले कि भैया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी हार्ड कॉपी आया नहीं है, किसी जी के हाथ में हार्ड कॉपी है नहीं, अंदर मीडिया जा नहीं सकती, अंदर सामान्य नहीं, व्यक्ति मीडिया जा नहीं अंदर नहीं। सकता। ये तो इतनी जल्दी में जो समाचार आते हैं, न्यूज़ आते हैं, ये समझिए कि पूरा सच होता ही नहीं है, बस अंदाज से अपना जो, इधर इधर क्योंकि हम लगातार न्यूज आ रहे हैं, एक बार आया, जब एक बार 25 जुलाई आया वाला सर आया था फैसला, 2017। तब भी उसमें कुछ दिखाने लगे जी, हाँ 25 जुलाई 2017 वाला, हाँ उसमें हाँ भी टीवी पर और अखबारों में सब क्या क्या आया, फिर सुबह पेपर में जब आया तब उसको सही सही जानकारी हुई, तुरंत तो पता नहीं क्या दिखाने लगते हैं सब। कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, पहले तो वो ऑर्डर इतना जो है विस्तृत होता है और इस तरह से लिखा गया होता है, उसकी भाषा जो होती है हर किसी को समझ में आता नहीं, जो जो सही अर्थ सही निकाल सही लेता है वही कहने लगता है। तो आज भी यही हुआ, तो जब हमने देखा कि कोर्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड नहीं है, किसी के पास हार्ड कॉपी है नहीं, किसी ने फेसबुक पर पूरा सर्च कर ली, किसी ने डाला नहीं है, कोई मीडिया अंदर जा नहीं सकती है, कोई अन्य व्यक्ति अंदर जा नहीं सकता है, कोई अंदर से बाहर अभी आया नहीं होगा, जो टाइम हो रहा था उस वक्त 11-12 बज रहे थे, क्योंकि इतनी जल्दी तो जजमेंट आया भी नहीं होगा, 1501 नंबर पर लगा है तो 1501 नंबर इतनी जल्दी तो आ नहीं जाएगा, अगर एक एक मिनट भी एक एक केस चलेगा तो भी 1501 मिनट लगेंगे, और 1501 मिनट आप जोड़ लीजिए कितने घंटे हो गए। तो जो है इन मूर्खों को पता नहीं कहाँ से किसने जो है कहाँ डाल दिया, क्या किया, सब फेक न्यूज चलाने लगे, तो सब कुछ जैसा था वैसा ही है, ये सब मीडिया सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह पर फेक न्यूज चलाने वाले बहुत हैं, जैसे 2,500 रुपये मानदेय बढ़ रहा है, अब फेक न्यूज लेके चला दिए, जिस दिन आता है कोई इस तरह का फेक न्यूज खूब जो है, बहुत सही, बहुत सही कह हाँ रहे खूब हैं। जो है हलचल रहती है, उठा पटक रहती है, और हम कहते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं है, तो उस दिन मानने को तैयार नहीं, और 2 दिन बाद सब सन्नाटा, फिर आया सन्नाटा कि हो गया, भैया सन्नाटा जी। संदीप जी ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, भैया संदीप जी से प्रश्न पूछा हमारे गया है। पास भी सर कई फोन आए, हमने कहा कहीं कुछ नहीं है भाई, अखबार वालों को क्या चाहिए, न्यूज चाहिए, कोई कुछ कह दे बस, उसे कुछ उनको अखबार तो भरना है, न्यूज चाहिए उनको बिल्कुल, अब अखबार वाले टीवी वाले उनको मसाला जी, चाहिए, कहीं से भनक मसाला जी लगी वो जी कंफर्म नहीं करेंगे सही है या नहीं जी है, जी बस चला जी दो न्यूज, तो वही हालत है। इसमें हम टीवी चैनल अखबार और उनको नहीं गलत कहेंगे, क्योंकि उनका तो वो जी काम है, वो पेशा उनका है, काम है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इन मूर्खों को, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कोई ऐसा हो। ऐसा ऐसा है सर कि जो जरूरतमंद होते हैं वो समझिए मूर्ख होते ही हैं ये बात समझ बिल्कुल रहे नहीं, सही सही बोले में हैं। समझ रहे हैं ना, उनको क्या है, जिसे बात है कि प्यासा है, अगर कोई कह दे कि वहां पानी है तो भागेगा उस तरफ, तो यही हालत है बेरोजगार जो बैठे हैं पढ़े लिखे बेरोजगार, तो यही समस्या है उनके पास। तो ये बताइए ये कहाँ की अकलमंदी है कि कोई अगर कह दिया कि ये चीज है तो बस जाकर के कुआं में कूद जाना, ये अकलमंदी को पहले अपना बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। हमने कई बार जिक्र किया है कि हम खुद जो है भुक्तभोगी हैं, पिछले महाकुंभ में एक घटना हुई थी और हम खुद वहां उपस्थित थे, वहां पर भगदड़ मची, लोग भाग रहे थे जिधर से आ रहे हैं, अरे हर मिनट में लाखों की संख्या में जहां लोग आ रहे हैं, हर मिनट जिस रास्ते से आ रहे हैं एक ही रास्ता है, और उधर अब लोग भागना शुरू किए, जो कई घंटों से लोग आए थे वो अब जो है मिनटों में भाग रहे हैं, तो उधर जाना कहाँ की अकलमंदी। तो सही हम सही चूंकि जी वहीं पर जो है रहते थे तो हम उस क्षेत्र को जानते थे, हम कहते एक तो पानी है यहाँ, दूर दूर तक जो है या तो मिट्टी है या रेत है, साला यहाँ आग लगेगा कैसे, लगेगा भी तो एक छोटे से एरिया में लगेगा, यहाँ कोई समय जो है नदी में पेट्रोल थोड़े बह रहा है कि इतनी भयंकर आग लग गई होगी। तो हमारे साथ जो लोग, हमने उनसे कहा भैया जो आग वाली है ना वो बात मत सुनो, चलो हम लोग संगम की तरफ चलते हैं, हम लोग संगम की तरफ निकल गए, थोड़ी देर बाद पूरा मैदान खाली था, एकदम सन्नाटा, खाली जूते चप्पल पड़े थे, लोग भाग चुके थे वहां से, तो बिना बुद्धि विवेक का प्रयोग किए अब लोग भाग रहे हैं भाग रहे हैं, बताइए संगम पर, वहां पर नदी है, पानी है, बालू है, मिट्टी है, वहां आग कहाँ लग सकती है, नहीं, कहीं बिल्कुल सही टेंट में कह लग रहे गई होगी, किसी ठेले में लग गई होगी, हैं, भीड़ तंत्र में इसे होता है ना सर, ये ऐसे सब भीड़ तंत्र जो भीड़ तंत्र नहीं, ये भेड़ तंत्र, भीड़ हाँ भीड़ भीड़ है, भीड़ है तो जहां भेड़ है, भीड़ है, जहां भीड़ भीड़ भेड़ों है, से ही तो बनती है, हाँ तो जहां भेड़ शब्द भीड़ भेड़ से ही आया है है, जी तो जहां भीड़ वहां समझिए भेड़ चाल है, और जो जी भी जी
जो भी क्राउड के पीछे, भीड़ के पीछे भागा, तो जी भीड़ ही उसे चलाएगी, फिर वो अपने बुद्धि विवेक का सही, प्रयोग नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही आज कह वही रहे हुआ है, इसके पहले भी जब 2.5 मानदेय बढ़ गया, तब भी हम कह रहे जी भैया ये झुंझुना हर साल आता है, ना कोई जी जियो जारी हुआ। अगर हुआ जी होता इतना बड़ा काम, एक रुपया जी भी बढ़ाना होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जी शिक्षा मंत्री या हमारे सीएम साहब या कोई भी आकर के फ्रंट पर क्यों नहीं उसका क्रेडिट लेंगे, बताएंगे कि हाँ हमने बिल्कुल इतना बिल्कुल बढ़ा दिया। बिल्कुल बहुत ये बात तो बहुत सही कहे, तो न कहीं मीडिया बहुत में इस सही तरह का कहे कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री आकर के बोल रहा है, ना कहीं कोई जी लेटर वायरल हुआ है कि नहीं जियो जारी हो गया, कुछ भी नहीं, जी खाली अखबार छाप दिया। अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो पर कि टीवी पर जी तो न्यूज आ रहा है। मतलब जी इन गधों को कौन बताए कि टीवी क्या चीज है, वो एक इंफॉर्मेशन देने का माध्यम है। सर इन्फॉर्मेशन सही गलत। एक बात तो हम भी कभी कभी सोचते रहते हैं, एक बस यही एक हमको मतलब जो है आशा दिला रही है कि आखिर मानदेय 5-7 साल लगभग हो जा रहे हैं, 1 रुपए भी मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया गया उसके पीछे कई कारण जी। हैं। यही हमने यही यही उम्मीद जगा रही है सर हाँ, तो कि उसके कहीं पीछे ना कुछ तो है हाँ, तो वही तो हम कहते हैं भाई मानदेय नहीं बढ़ाना है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है कि संविदा योजनाएं जो है 2022 तक के लिए, तो 2022 चला गया, अब खत्म करना है, तो जो संविदा ही खत्म करना है, तो मानदेय जो है जुड़ा है संविदा से, तो जब संविदा ही खत्म, तो फिर मानदेय की बात कहाँ। अब आप जिस पेड़ का फल खाना चाह रहे हैं, वो पेड़ ही काट दिया गया, वही पेड़ काट देना है, तो फिर फल की बात क्यों करना है, जब पेड़ ही कट रहा है तो संविदा खत्म हो रहा है। खैर, अभी ये जो भेड़ तंत्र जो चल रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। अभी 1-2 महीने के अंदर जैसे ही सब घोषणा हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। चूंकि होता क्या है ना, कोई भी चुनाव आता है तो ये भेड़ तंत्र जाग उठता है, सही कह तब रहे उसको हैं अपने अधिकार हक ये वो जो भड़काया जाता है, जी तो वो आंख बंद करके बस उन्हीं पर जो है भागने लगता है। जी जैसे एक भाई साहब का आज वीडियो देख रहे थे, नेताजी बने हुए हैं BEd 2011 के, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि सरकार की लचर पैरवी की वजह से आज BEd बाहर हो गया। और उन्हीं का जी पुराना पोस्ट वीडियो, BEd जो प्राइमरी में वैलिड हुआ, हमारी मेहनत सफल हुई, हमने जो है BEd को प्राइमरी में वैलिड करा दिया। नेताओं का तो यही काम, टेट लाइफ टाइम नेताओं का यही हुआ, काम है कि टेट लाइफ टाइम अगर बन हुआ, रहा है, हाँ तो अगर हमने बन करा रहा है तो दिया। श्रेय स्वयं ले लें, और अगर बिगड़ गया तो सरकार की जो लचर नीति है हाँ, तो ये भेड़ तंत्र, सरकार का अभी जी आज जो है रिजवान अंसारी का भी कोई पोस्ट आया है, हमने देखा। आज तक जी तो बिल में घुसे हुए थे, गायब थे, अब जो है बाहर निकल आया, फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिए। तो ये सब जितने भी हैं फेसबुक पर, जितने ग्रुप बने हैं, पहले तो सब नेताओं ने बनाया है, चाहे वो जी शिक्षा मित्र का नेता हो या फिर BEd का नेता हो, BTC का, कोई भी ग्रुप होगा, आप जाकर एडमिन चेक कीजिएगा, उसमें कोई ना जी कोई जी नेता होगा। जी कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि आम व्यक्ति ने बनाया हो, जो कि कोर्ट कचहरी धरना वरना से उसका कोई कनेक्शन ना हो। जी इसी वजह से ना हमने अलग से ग्रुप बनाया कि जब लोग खाली उन्हीं की बात सुनेंगे जो झूठ बोलते हैं, जो चालाकी दिखाते जी हैं, जो लूटते हैं, तो सच कैसे सामने आएगा। तो उसी वजह से जी हमें ग्रुप बनाना पड़ा। और ये हालत है कि जो है गाली भी सुनते रहते हैं, और कंडीशन ऐसी आती है कि गाली देना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। ये सब काम करने के लिए जो है, जो जो नेता प्रेता होते हैं, जो मर्डर वर्डर करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं ना, तो अब समझ में आता है कि नहीं वो गलत नहीं करते हैं। अगर कोई नेता वहां तक पहुंचा, उस लेवल पहुंचा, तो सराफत से तो नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा उतना ऊपर पहुंचने का मतलब ही है कि भैया दो चार मर्डर वर्डर बिल्कुल किए रहो, अपना आतंक बनाए रहो। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं ना, जब तक तो गाली ना दो, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। नहीं, आज आज के दिन जो है जब से फैसला मतलब कुछ हुआ होगा तब से कुछ ना कुछ तो सुनने को मिला होगा जरूर, पक्का है। अच्छा सर क्या होगा ये असम के बारे में बताइए कुछ आप ग्रुप में जुड़े हैं, यूट्यूब पर जी। सुनते ही हैं वो सब तो जुड़े कुछ, हैं ऑलरेडी, बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं आपको। तो जब फॉलो कर रहे हैं, हर चीज जान रहे हैं, वही बात आज फिर कहेंगे कि जो है थोड़ा दिन और धैर्य रखिए, मानदेय बढ़ना नहीं है, संविदा समाप्त होना है, प्राइमरी में वही रहेगा जो टेट पास है, जो टेट पास नहीं है वो प्राइमरी से निकाला जाएगा। ये जो अगस्त का महीना, ये बीतने दीजिए, 20 अगस्त को सीटेट होने जा रहा है, उसके होने के बाद सितंबर में करीब करीब 15 सितंबर या 30 सितंबर तक मानकर चलिए कि जो है उम्मीद है कि कोई घोषणा हो। ठीक है, अगर सितंबर में नहीं भी हो तो कुछ लोग जो है तारीख पकड़ लेते हैं कि इतना आपने कहा था,
वो सर भाई एक एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि 30 सितंबर जी मान के जी चलिए, मान लीजिए अगर 30 सितंबर में तक नहीं होता है कोई चीज, तो वो चीज जो होना ही है सितंबर में नहीं होगा लेकिन फिर आगे होगा ही होगा, सितंबर नहीं अक्टूबर जी पकड़ लीजिए। तो जी जो भी चाहे वो बीएड वाले हों चाहे शिक्षा मित्र हों जो भी हैं वो प्राइमरी बात में बात ऐसा है सर, जैसे सरकार का है उसको पूरा सिस्टम देखना है, पूरे देश को देखना है, वो तो सही है सर। लेकिन बात है कि जैसे व्यक्ति है कि जैसे जो महंगाई इतनी वो हो गई है, बढ़ गई है, और 2023 से 10,000 रुपये 1 रुपये ना बढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है व्यक्ति सारे, आपकी बात ये चीज़ है भावनात्मक सर। तौर पर जी 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 एकदम जी जी सही है। अभी थोड़ी देर पहले जी हमने जी कहा कि भावनाओं को डाल दीजिए डस्टबिन में, जी प्रैक्टिकली सोचिए कि आपके यहाँ मान लेते हैं 4 लोग काम करते हैं, तो जी आपकी सोच क्या होगी? उनको अपने घर का सारा धन उठा के दे देना, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम आप चाहेंगे खुद जितने कम चाहेंगे में ना हो कि जाए कम हमारा से कम काम। में काम हो जाए। तो यही जी चीज समझाते हैं उसके लिए, चाहे जो शब्द प्रयोग कर लें, जो वाक्य बोल लें, चाहे वो मीठा लगे चाहे कड़वा लगे, तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई सरकार हो, कोई कंपनी हो, अपने यहाँ जो एम्प्लॉय रखिए, मीठा शब्द है एम्प्लॉय, थोड़ा कड़वा लगता है जो हम बोलते हैं नौकर, तो चाहे वो भले किसी कंपनी का सीईओ हो या फिर वहाँ चपरासी हो, सब जी, नौकर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब नौकर है, सब नौकर कोई है। भी किसी और के यहाँ काम कर रहा है उससे सैलरी ले रहा है उसका नौकर है, कोई अपना खुद का खेत है खेती बाड़ी कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, कोई अपना खुद का कंपनी चला रहा है वो मालिक है। तो जितने भी नौकर हों चाहे कोई व्यक्ति अपने यहाँ रखे चाहे सरकार रखे, उनका काम अपना सिस्टम चलाने के लिए उन्होंने रखा है, अपना काम कराने के लिए। तो उनका उद्देश्य काम है न कि नौकरी देना। आप अगर घर पर रखेंगे झाड़ू पोछा करने के लिए बर्तन धोने के लिए, तो उन लोगों को इसलिए नहीं रख रहे हैं कि उनको नौकरी देना है, इसलिए रख रहे हैं कि हमें अपना काम कराना है। हमें जरूरत है, उनको भी तलाश है, रोजगार मिले। जी हाँ, तो यही एग्जैक्टली सेम किसी भी कंपनी के साथ होता है, यही सेम चीजें गवर्नमेंट के साथ होता है। गवर्नमेंट ने विभाग इसलिए नहीं खोला है कि नौकरी जी देना, हाँ गवर्नमेंट ने विभाग इसलिए खोला है कि कोई काम कराना है, उस काम को करने के लिए लोगों की जरूरत है इसलिए नौकरी देती है। जरूरत जी न रहे काम न रहे, जो विभाग काम ही न कर रहा हो तो उसमें क्यों भर्ती करेंगे फिर? खैर, जी तो जो भर्ती जो शिक्षा विभाग है, तो लोग जो कहते हैं प्राइवेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ बिल्कुल ये सही है, प्राइवेट कर रहे हैं, करेंगे, ये भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पीछे उठाकर देख लीजिए जी मनमोहन सिंह रहे हो चाहे कोई, वो भी किए हैं, और आगे कोई और सरकार आएगी वो भी करेगी, क्योंकि जी विकास इसी तरह होता है, गवर्नमेंट को धीरे धीरे अपना सब कुछ अपने हाथ से प्राइवेट को देना होता है। लेकिन शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सुरक्षा, कुछ जी चीजें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से प्राइवेट ना कभी हुए हैं ना होंगे। और प्राइवेट आज नहीं, आप देखिए प्राइवेट स्कूल जितने हैं, जी मनमोहन सिंह थे तो क्या प्राइवेट स्कूल नहीं थे? तब नहीं थे, बिल्कुल थे। भी थे। तो प्राइवेट जो ये शिक्षा है, प्राइवेट कल भी था आज भी है, आने वाले टाइम में प्राइवेट स्कूल भी चलते रहेंगे, गवर्नमेंट भी चलते रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति लोग पता नहीं क्यों नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो शिक्षा के प्रति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लेकर आए हैं, आप जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो वो व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट की तरफ क्यों जाएंगे? कस्तूरबा को उन्होंने 8 तक था, अगर बंद जो है प्राइवेट को देना होता है कुछ भी करना, तो वो क्यों इंटर तक करते? वो क्यों अटल आवासीय विद्यालय इतने बड़े बड़े खोलते? तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखिए आंगनबाड़ी को जो है, ठीक है आंगनबाड़ी कुछ खास नहीं चल रहा था, बंद कर देना चाहिए, लेकिन बंद कहाँ किए, वो उसको प्री प्राइमरी में बना दिए। तो जी गवर्नमेंट जो है शिक्षा पर खर्च ज्यादा कर रही है, उसको सुधार कर रही है, और जब भी कोई चीज होगा तो वो खुद नहीं करेगी हर काम। हर जी काम न शिवराज सिंह आएंगे करने, न योगी आएंगे करने, न संदीप आएंगे करने, न मोदी जी आएंगे, बिल्कुल न बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे, कोई नहीं आएगा। हर काम करने के लिए लोग रखे जी, जाएंगे नौकरी पर। तो जब शिक्षा वो तो विभाग में, कर्मचारी हाँ करें, कर्मचारियों को जब करना है, शिक्षा विभाग विभाग ही में इतना करेगा सुधार, हाँ इतना सुधार कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, स्कूल आप देख ही रहे होंगे कितना परिवर्तन हो चुका है, तो अभी तक तो स्कूलों पर खर्च कर रहे थे ज्यादा, अब बढ़ेंगे टीचर्स की तरफ, अब लोग आ जाते हैं लेकर के, संदीप सिंह तो कह रहे हैं पर शिक्षक पर्याप्त हैं। तो अब बताइए, अगर आपके यहाँ नॉर्मल दिनों में नौकर की जरूरत है कि बर्तन धोने के लिए, एक हमें जरूरत है, एक झाड़ू पोछा करने के लिए, दो, अब आपने दो नौकर रखा, तो कोई आपसे पूछा कि भैया आपके यहाँ नौकर की जरूरत है कि नहीं, आपने कह दिया कि नहीं हमारे यहाँ अभी नहीं पर्याप्त नौकर है, तो आपने क्या बिल्कुल गलत कहा? अब आपके यहाँ स्पेशल दिन कोई आ जाए शादी विवाह, जी तो भाई अभी भी क्या पर्याप्त है क्या? नहीं, उस दिन काम करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। सही तो वैसे ही अभी जो कंडीशन है, जिस हिसाब से व्यवस्था वो चला रहे हैं,
तो पूछा गया तो कहे हाँ भैया अभी जो हमारा व्यवस्था उसके हिसाब से पर्याप्त टीचर हैं, अभी हम तुरंत जो है भर्ती करने के बारे में नहीं सोच रहे, और ये राज्य सरकार कह रही है। हम जो चीजें बता रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाएं पर ये कैसे अभी बोल देंगे। तो खैर कुल मिला करके महीने 2 महीने तक ये सब नौटंकी चलेगी, और अभी मेन इंतजार था जजमेंट का वो आ गया। अब केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आएगा और जहाँ जो पेंडिंग है वो सब होगा, और अब केंद्र सरकार भी उम्मीद है जल्दी घोषणा कर देगी, इसी का इंतजार था। और आपने जो बच्चे के लिए पूछा वो क्या था क्वेश्चन? वो सर वो बीएड किया है हमारा बच्चा, और जूनियर और प्राइमरी दोनों टेट किया है, सीटेट भी है। तो जी वही सोच बस रहे कि भविष्य तैयारी जो करें, है। पढ़ाई करें, कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लें। नहीं पढ़ाई तो ऑलरेडी बिल्कुल बराबर करते हैं वो। तो बस लगे जी रहें, भर्ती आएगी। चलिए और कुछ? बस यही सब बात करना था सर कि रेशम के बारे में, इसके बारे में चलिए बस कुछ देखते रहिए, एक से एक नमूने फेसबुक यहाँ वहाँ क्या क्या लिखते रहते हैं, पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, बाकी नहीं करना तो गवर्नमेंट को ही है। वो तो बस करना तो वही है हाँ तो जी, बस आस्था इंजॉय में, कीजिए। अध्यात्म आस्था में ईश्वर है, बाकी जो है वर्तमान में जो वो है समाज, उसके लिए तो सरकार है तो बस बस दोनों। देख रहे हैं कि हाँ चुनाव आ चुका है, खूब हाहाकार मचा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, क्या हो गया? अरे कहीं कुछ नहीं जो खुद होगा। वोटिंग से पहले खुद ही भाग गए, जिसने अविश्वास प्रस्ताव लाया वो खुद ही मैदान छोड़कर भाग गए, देखे कि जो है दाल नहीं गल रही है तो निगल लिए। तो ये सब चीजें, वो चुनाव का माहौल है, 2024 से चुनाव आ गया है, तो अब जो है खूब दिखाएंगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सब बेकार है, इस तरह की बातें कर करके भड़काना लोगों को। हर तरह के ग्रुप में, गैंग में लोग एक्टिव हैं, बस उसी की वजह से ये सब हाहाकार मच रहा है। बताइए एक छोटा सा न्यूज आज जो कि फेक न्यूज, उसको देखिए कितना तेजी से लोगों ने फैलाया, लेकिन अभी कोई अच्छी बात हो जाए, यही लोग जो जितने लोग नेगेटिव न्यूज डाले उनका पोस्ट देखिएगा क्या वो डालते हैं फिर से कि नहीं बीएड में जो वो गलत न्यूज था बीएड को बाहर सही नहीं किया गया है, कोई नहीं डालेगा। तो ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ठीक है चलिए, न्यूज बस लेते रहिए, देखते रहिए, और कुछ जी तो नहीं है? बस बस सर, बस सर चलिए रखते हैं फिर। कोई समस्या होगी फिर बात करेंगे सर कभी। बिल्कुल। जी ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।